Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके आज के ट्रिब्यूट मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं 9 अप्रैल करंट अफेयर्स की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और स्टार्टिंग करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो कंप्यूटर जी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। मोटिवेशनल कोट आपके सामने बस आ गया। क्या बोला गया? ऑलमोस्ट एवरी सक्सेसफुल पर्सन बिगिन्स विथ टू बिलीव द फ्यूचर कैन बी बेटर देन द प्रेजेंट एंड आई हैव द पावर टू मेक इट सो। यानी कि हमारा भविष्य जो होगा वो हमारे प्रेजेंट से अच्छा होगा, और हमारे अंदर ये पावर है कि हम इसे कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये चीज आपको माननी पड़ेगी, आपके अंदर अपार पोटेंशियल है, आपके ऊपर आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है आपको अपने बिलीफ पर बिलीव करने की, अपने पोटेंशियल पे बिलीव करने की, और ये मानना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता है लेकिन हमारे ही एफर्ट से, और हमें ये करना ही पड़ेगा। आई कैन, आई विल, आई मस्ट। जिद है तो जिद है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने इंडेक्स से। तो आज मैं आपको बिजनेस से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट तक पढ़ाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लिए कुछ न्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भर में न्यूज़ इंटरेस्टिंग नहीं आते हैं। हमें एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तो बड़े मुश्किल होते हैं डेली करंट अफेयर्स बनाने में। आइए तो ध्यान देते हैं आगे। तो बिजनेस से हम शुरू करेंगे और एक्स्ट्रा हाईलाइट पर हम जाएंगे। आइए देखें पहला पॉइंट आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो एक कंपनी है बीपीईए, इसने एनआईआईटी टेक्नोलॉजी के 30% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। एनआईआईटी आपने नाम जरूर सुना होगा, हो सकता हो कि आपके शहर में आपके घर के आसपास एनआईआईटी की ब्रांच हो। पहले काफी होती थी, आजकल तो थोड़ी कम हो गई है। तो बीपीईए की हम बात करने वाले हैं, 30% स्टेक और एनआईआईटी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, तो द बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया इस कंपनी का नाम है, एग्रीड टू बाई 30% स्टेक इन एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फॉर अबाउट 2627 करोड़, और अगर हम डॉलर में देखें तो 381 मिलियन डॉलर। तो बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ने एनआईआईटी टेक्नोलॉजी में 30% स्टेक मीन शेयर परचेस कर लिए, और इसके बदले में बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया को 2627 करोड़ रुपीस देने पड़े एनआईआईटी टेक्नोलॉजी को। यानी कि बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया 30% का शेयर होल्डर बन गया है एनआईआईटी में, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो बेरिंग विल एक्वायर द शेयर एट रुपीज 1394 अपीस, यानी पर शेयर के लिए बेरिंग इंडिया को, बेरिंग कंपनी को इतना पैसा देना पड़ा, 1394 रुपए एक शेयर के लिए। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप यहां पर देख रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग का पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको एनआईआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। फाउंडेड 2004, इसके फाउंडर थे राजेंद्र एस पवार और विजय के तड़ानी, हेडक्वार्टर नोएडा में है। और आज के टाइम पर की पीपल कौन है देखिए, तो अरविंद ठाकुर, ये वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है एनआईआईटी के, और सुधीर सिंह की बात करें तो ये सीईओ है एनआईआईटी के, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा की तरह आपको हम कुछ ना कुछ रिविजन कराते रहते हैं। तो रिसेंट मर्जर और एक्विजिशन की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया अपने साइट से लार्सन एंड टर्बो के टेक ओवर का। एक कंपनी है माइंडट्री लिमिटेड, तो लार्सन एंड टर्बो ने माइंडट्री लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया है। ये इंफॉर्मेशन पहली आपको यहां पर हम दे रहे हैं, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, लक्ष्मी विलास बैंक एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आपको पता है ये भी दोनों मर्ज हो गए आपस में, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। आगे बढ़ेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 14,500 करोड़ रुपीस पे किए, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 52.63% का स्टेक परचेस कर लिया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 14,500 करोड़ रुपीस दिए, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 52.63% शेयर ले लिया, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी है एनएससीआईटी, इसने एक्वायर किया है ओजस नेटवर्क लिमिटेड को, पढ़ा चुके हैं ये भी आपको, ओजस नेटवर्क लिमिटेड की बात करें, ठीक है। आगे बढ़े तो बंधन बैंक और ग्रुप फाइनेंस के बारे में भी आपको पता है, अच्छे से पता है आपको, अच्छे से याद होगा इसे, इसके बारे में, ठीक है। इनका भी मर्जर हो गया था, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और डेज और इवेंट की बात करते हैं। हालांकि मैं एमसीक्यू में ये पूछ चुका हूं आपको, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, तो हमेशा आपको डेट और उसकी थीम याद करनी होती है। और इसकी थीम क्या है? यूनिवर्सल कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। बस दो बातें याद रखनी है, डे किस दिन सेलिब्रेट हुआ और इसकी थीम क्या थी, बस सिंपल सा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एग्जाम में कई बार इसके हेडक्वार्टर पूछे गए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में दिखाई पड़ रहा है, 1948 में से बनाया गया। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधोनम, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाली ट्रिक देखी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैक्सिमम टाइम उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें हमने आपको डेज, इवेंट और थीम तीनों दिखाई है कि किस डे की क्या थीम थी। अगर इंपॉर्टेंट है तो वो आपके सामने यहां पर है, और पूरे मार्च का डेट आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। तो ये आपको अगर थीम के साथ आपने याद नहीं किया तो थीम भी आपके सामने है, और थीम भी देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। हमने पूरा आपको दिया लिस्ट, यहां पर देख लीजिए, आपको थीम भी यहां पर दिखाई पड़ रही है ना। चलिए तो ये पॉइंट आपके सामने चल रहा है, हमारे PDF से आपको इसे डाउनलोड करना है। आगे बढ़ेंगे डेज और इवेंट में, हम आगे बढ़ते हैं। और नेशनल हैंडलूम वीक जो है वो हमारे देश में अप्रैल 7 टू अप्रैल 14, मतलब पूरे एक वीक सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह 7 से 14 अप्रैल। ऐसे क्वेश्चन गाइस काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नेशनल हैंडलूम वीक हमारे इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है? 7 अप्रैल टू 14 अप्रैल, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। देखिए, द नेशनल हैंडलूम वीक इज बींग ऑब्जर्व फ्रॉम अप्रैल 7 टू अप्रैल 14 2019। आपको पहला पॉइंट यहां पे दिखाई पड़ रहा है। नेशनल मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि जब विदेशी सामानों का बहिष्कार हमारे देश में करना था, तो ये जो एक रिवोल्यूशन था ये काफी जोर पकड़ा, और इसी रिवोल्यूशन के चलते नेशनल हैंडलूम वीक मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए, तो अब हैंडलूम की हम बात कर रहे हैं, हैंडलूम का मतलब हथकरघा, हाथ से बने सामान। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ टेक्सटाइल GI टैग इन इंडिया, तो कितने जगह के टेक्सटाइल को GI टैग मिला हुआ है, हमने उसकी भी लिस्ट आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी है, देख लीजिए। तो आपके सामने ये लिस्ट आपको यहां पर हमारी स्लाइड पर दिख रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। लिंडन जो कि चाइना के एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने मलेशिया ओपन जीत लिया। लिंडन की हम बात करें, देखिए यहां पर देखिए, तो चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर लिंडन क्लिंच द मलेशिया ओपन इन क्वालालंपुर, आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और ये जीतने के लिए इन्होंने अपने हमवतन, इनका नाम है चेन लॉन्ग को हराया, ठीक। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो मेल में लिंडन ने जीता, क्वालालंपुर में ये हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, किसको हराया वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, तो आपको ये नाम लिंडन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर ठीक है, भावनाओं को समझने वाली बात है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप पे मलेशिया आपको कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मलेशिया की अगर हम बात करें तो मलेशिया की कैपिटल क्वालालंपुर है, करेंसी रिंगिट है, और प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद हैं, ठीक। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आप किसी देश का नाम सुने तो उस देश की कैपिटल और करेंसी बाय डिफॉल्ट यहां पे कमेंट कर दें। अगर आप ऑफलाइन में भी देख रहे हैं तो एक पेज लेके बैठे और कैपिटल, करेंसी, ये सब अपने से लिखते रहें, ताकि आपका स्टडी पॉइंट साथ ही साथ स्ट्रांग होता जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 आपको हुई थी, हमने उसकी भी एक रिवीजन स्लाइड आपको यहां पर दे दी है, कि अगर आपको याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, मुझे याद है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सामने मेन सिंगल और वुमेन सिंगल तो याद होना ही चाहिए। केंटो मोमोटा और चेन यूफेई, ये लोग जीते थे, तो यहां पर आपके सामने न्यूज है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स की एक पॉइंट की ओर। तो नॉर्दर्न कमांड वॉन एयर वेपन चैंपियनशिप फॉर द फोर्थ टाइम, तो नॉर्दर्न कमांड ने एयर वेपन चैंपियनशिप चौथी बार जीती। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न कमांड हैज वॉन द 15th एडिशन ऑफ, यानी 15वां एडिशन था, 15th एडिशन ऑफ जनरल JJ सिंह एयर वेपन चैंपियनशिप। तो नॉर्दर्न कमांड ने 15th एडिशन ऑफ जनरल JJ सिंह एयर वेपन चैंपियनशिप जीती है, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कि लगातार चौथी बार जीती है। नॉर्दर्न कमांड की बात यहां पर हो रही है। तो ये जनरल JJ सिंह एयर वेपन चैंपियनशिप कहां पर हुई, हाँ ये उसकी हम बात करते हैं। देखिए यहां पर,
द चैंपियनशिप वॉज कंडक्टेड एट आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट मोह. मोह मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो वहां पर यह हुआ था. और आपको पता है कि नॉर्दर्न कमांड ने यह इवेंट जीता है, ठीक है? तो यह आपको याद रखना है. 15th एडिशन नॉर्दर्न कमांड, और इवेंट का नाम है जनरल जे जे सिंह एयर वेपन चैंपियनशिप, जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा. इतना ही पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है? तो बहुत सारी कहानियों में से इंपॉर्टेंट न्यूज क्या पढ़नी है हमको, वो हमें आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अब यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो उसकी लिस्ट हमने आपको यहां पे रिवीजन के लिए दी है. फॉर एग्जांपल, हमने आपको 2019 का एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हांगकांग में हुआ, हमने उसकी बात की. इस इवेंट में गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन थे, हमने उसकी लिस्ट आपको यहां पर दी हुई है. आपको ध्यान क्या रखना है, प्लेयर का नाम और ये प्लेयर किस खेल से बिलोंग करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए. तो ये लिस्ट आपको ऐसे हेल्प करेगी. फॉर एग्जाम्पल, विपिन कुमार किस गेम से बिलोंग करते हैं, तो हमें यह याद होगा तो हम बोल देंगे विपिन कुमार हैमर थ्रो से बिलोंग करते हैं, ठीक. फीमेल्स में किसने गोल्ड मेडल जीता, हमने उसकी भी लिस्ट आपको दी है. यहाँ पर देखिए 2019 बीएनपी पेरिबस ओपन की हम बात करें, जिसको हम इंडिया वेल्स मास्टर टेनिस टाइटल के नाम से भी जानते हैं, उसमें हमने मेंस सिंगल की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक. और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो आपको हम और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं. देखिए वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल. अच्छा, इसके बाद बात करें 2019 लिंग शुई चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल, तो ये किसने जीता, हमने उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है. तो मतलब कुछ रिवीजन टाइप का है स्पोर्ट्स में, बढ़िया है. बैडमिंटन और टेनिस, जिससे आप घबराते हैं याद करने के, वो सब पॉइंट एक साथ आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं. आप स्पेशल ओलंपिक की बात कर लें, आबू धाबी में जो हुआ, तो इंडिया के 285 एथलीट ने 368 मेडल जीता, और सबसे अच्छा प्रदर्शन था पावर लिफ्टर्स का, जिन्होंने 20 गोल्ड 33 सिल्वर एंड 43 ब्रॉन्ज जीता, और रोलर स्केटिंग टीम ने 49 मेडल जीते. तो ये दोनों टीम ने मचाया, इन दोनों टीम का नाम इसलिए यहाँ पर है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, और यहाँ पर उषा पाड़े की हम बात कर रहे हैं. उषा पाड़े ये पवन हंस की CMD अपॉइंट हुई हैं, और ऐसा हुआ है कि ये फर्स्ट फीमेल CMD है पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी की. आइए इसके बारे में बात करते हैं. देखिए तो उषा पांडे, ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ CMD ऑफ द पवन हंस लिमिटेड. तो इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है पवन हंस लिमिटेड का, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ द पवन हंस लिमिटेड कंपनी. उषा पांडे की हम बात कर रहे हैं. तो ये अभी तक क्या थी, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, और अभी ये CMD अपॉइंट हुई है पवन हंस लिमिटेड की. एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, और ये फर्स्ट वुमेन CMD भी हैं. अब देखिए पवन हंस कंपनी की बात करें तो पवन हंस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% शेयर है, और ONGC का 49% शेयर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर को कम करना चाहती है. देखिए यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो अभी भारत सरकार पवन हंस में अपने शेयर बेचेगी, और जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने शेयर 51 से कम किए तो ONGC का मालिकाना हक हो जाएगा. तो ONGC का मालिकाना हक हो जाएगा, तो ये अपने आप पवन हंस क्या होगा, ये अपने आप एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगी, और फिर ये अपने हिसाब से काम कर सकती है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लिस्ट ऑफ हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार की जो उपक्रम है, जो कंपनियां हैं, उनके MD CEO, या फॉर एग्जांपल MD CEO की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, हमने सबकी लिस्ट आपको यहां पे दी हुई है, जो आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा, है ना. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं. हालांकि MCQ में मैं क्वेश्चन पूछ चुका आपसे, तो जस्टिस नंदरा जोग ये चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के. नाम क्या है, न्यायमूर्ति नंदरा जोग. आइए इनकी बात करते हैं यहां पे, ठीक है. तो जस्टिस प्रदीप नंदरा रोज की बात करें, ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल मतलब कि कलकत्ता हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, राजस्थान के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं. तो इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जो बिल्कुल अपडेटेड है, हर स्टेट के चीफ जस्टिस के नाम आपको यहां पे मिल जाएंगे. रेलवे वाले बच्चे और SSC वाले बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं वो ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है. देखिए तो आइए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग. देखिए तो इन्होंने नरेश पाटिल को रिप्लेस किया है जो कि रिटायर हो चुके हैं, और विद्यासागर राव जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्होंने शपथ दिलाई, ठीक है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. जस्टिस नंदरा जोग की बात कर रहे हैं, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं. आगे बढ़े तो लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, तो आपके सामने लिस्ट है. बॉम्बे हाई कोर्ट नया अपॉइंटमेंट, कलकत्ता हाई कोर्ट नया अपॉइंटमेंट, TB राधाकृष्णन मैंने आपको पढ़ाया था, ये दोनों पॉइंट तो याद करने ही है आपको. और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे
राजस्थान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस का नाम आप देख लीजिएगा एक बार, तो राजस्थान हाई कोर्ट मोहम्मद रफीक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिफेंस की हम बात करें। देखिए अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है देखिए आईएनएस शक्ति इज टू टेक पार्ट इन चाइनीज नेवी एनिवर्सरी, तो मतलब क्या है आइए देखते हैं। देखिए टू इंडियन नेवल शिप INS कोलकाता एंड शक्ति वो टेक पार्ट इन द चाइनीज नेवी 70th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशन लेटर इन अप्रैल 2019। यानी अप्रैल में चाइना की नेवी अपना 70वां स्थापना वर्ष मना रही है और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दो हमारे नेवल शिप, एक INS कोलकाता और एक INS शक्ति जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, जब भी इंडिया का कोई नेवल शिप किसी देश के दौरे पर या किसी डिफेंस एक्सरसाइज में जाता है तो कौन सा शिप गया सीधे से नाम पूछा जाता है आपसे, तो इसीलिए ये पॉइंट आप यहां पे देख पा रहे हैं जिस पर मैं जोर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए तो 21 टू 26 अप्रैल ये 70th एनिवर्सरी चलेगी जिसमें कि INS कोलकाता और शक्ति पार्टिसिपेट करेगी, इतना ही पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा, सिर्फ भावनाओं को समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको हमने डिफेंस एक्सरसाइज का भी रिवीजन करा दिया यहां पर, और डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो आपको पता है एफिंडेक्स अफ्रीका इंडिया ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज पुणे महाराष्ट्र में हुई, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। एफ इंडेक्स की बात करें पुणे महाराष्ट्र में हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो 33rd एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग वाला IND इंडो कॉर्पेट बिगन एट पोर्ट ब्लेयर एट 4th अप्रैल। तो 33rd एडिशन ऑफ इंडो कॉर्पेट ये की पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, पेट्रोलिंग का मतलब निगरानी करना अपने मैरीटाइम बाउंड्रीज की, तो ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ, ठीक है। और देख ले यहां पर तो आपको पता है 3rd एडिशन ऑफ अल नगा 3 ये कि एक इंडिया और ओमान के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि ओमान में हुआ, आपको मेरे ख्याल से लर्न होगा ये सारी चीजें। 6th एडिशन ऑफ इंडो श्रीलंका ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिगिंस इन श्रीलंका, ये भी आपको पढ़ाया गया है। और इसके बाद अगर बात करें तो 8th इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो बांग्लादेश में हुआ, मतलब कि इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश का संप्रीति आर्मी एक्सरसाइज कहां पर हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पढ़ाया ही गया है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो मालदीव में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है आइए इनके नाम की बात करते हैं, तो मोहम्मद नशीद की बात करें, मोहम्मद नशीद जो है ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, और कितने वोट से जीते हैं ये सब याद नहीं रखना है, मोहम्मद नशीद मालदीव के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इतना याद कर लीजिए, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा काफी कुछ नहीं, मोहम्मद नशीद मालदीव के प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए तो मालदीव की बात करें तो मालदीव हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि मालदीव का जो लोकेशन है वो हमें हिंद महासागर में या तो परेशान कर सकता है और या तो हमें पावर दिला सकता है, अगर मालदीव हमारे कब्जे में है तो पूरे हिंद महासागर का जो मूवमेंट है वो हमारे हाथ में आ जाता है मालदीव, ठीक है। तो मालदीव की कैपिटल माले है और करेंसी रुपिया है, आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमेशा की तरह आपको हम रिवीजन कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, तो रिसेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया कि जुजाना कपुटोवा जो है ये स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट इलेक्शन जीती है और वहां की प्रेसिडेंट बनी है, आपको ये पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोस कौन बने हैं, अजाली ओसुमानी, आपके सामने इनका नाम दिखाई पड़ रहा है। बहुत इस तरह से रिवीजन करने से हमें डेली चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। और आगे बढ़े तो प्रेसिडेंट ऑफ फिलिस्तीन मोहम्मद अब्बास, इन्होंने अपॉइंट किया है मोहम्मद सत्ताह को एज द फिलिस्तीन प्राइम मिनिस्टर, फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है। और देखें तो काजा कैलस की बात करें तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया बनी है, आपको ये पता भी होगा। मोहम्मद बुहारी की बात करें तो नाइजीरिया के ये दोबारा से प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, है ना। चलिए आगे बात करें तो ताइवान के प्रेसिडेंट तसाई इंग वेन ने सू सेंग चांग को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है ताइवान का, ये सब भी आपको याद होगा, ठीक है। और अगर वेनेजुएला की बात करें निकोलस मादुरो ये सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, तो ये तो मैंने वेनेजुएला क्राइसिस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपको इसमें नाम सुना होगा आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की फिर से बात करें तो लीबिया की बात करते हैं, लीबिया में फिर से एक बार जंग के हालात पैदा हो गए हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने CRPF के 15% की जो दस्ता था उसको वापस बुला लिया है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो इंडिया
evacuated its entire contingent of 15 CRP personnel from Tripoli after the situation suddenly worsened in Libya. तो लीबिया के त्रिपोली में हमारे 15th CRPF personnel का मतलब आप employee भी कह सकते हो, personnel appoint थे, इनको इंडिया ने वापस बुला लिया है. तो द CRPF contingent was deployed as a peacekeeping force in Tripoli. तो त्रिपोली में peacekeeping force के तहत CRPF की तैनाती की थी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वापस बुला लिया गया है. शांति के लिए गया था, शांति हुई नहीं लीबिया में. लीबिया मिडिल ईस्ट पूरा जल रहा है और ये केवल दो देशों की लड़ाई है, एक रशिया की और एक अमेरिका की. ये दोनों अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट कंट्री आपस में लड़ रही. दिखाया जा रहा है कि लड़ाई सिया और सुन्नी की है, लेकिन लड़ाई एग्जैक्टली में अमेरिका के हितों की है और रशिया के हितों की है. जिसका भी सपोर्ट करेगा अमेरिका, रशिया उसके बगल में खड़ा हो जाए, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा. ये तो होना ही होना है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया. लीबिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना. और ये देखिए, तो लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है, करेंसी लीबियन दिनार है, और प्राइम मिनिस्टर फायज अल सराज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप. ठीक, चलिए आगे बढ़ें. और यहाँ पर CRPF के बारे में हम बात कर रहे हैं. CRPF देखिए यहाँ पर, तो CRPF को 1939 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल राजनाथ सिंह है, बिकॉज CRPF होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है. एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो राजीव राय भटनागर, ये डायरेक्टर जनरल है CRPF के. तो ये तो आपको आज ही लर्न कर लेना है. आप लोगों ने पता नहीं इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स या फिर इंडिया के जो ये डिफेंस जो ग्रुप्स हैं या जो भी PSUs हैं, आप लोगों ने पता नहीं उनके हेड्स के नाम की लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है. बनाई नहीं है तो बना लीजिएगा, ठीक है. तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है. राजीव राय भटनागर ये डायरेक्टर जनरल है CRPF के. ठीक है, आगे बढ़े. एग्रीमेंट MOU की बात करें तो अमेजन इंडिया पार्टनर्ड विथ केटो. अब ये केटो क्या है? केटो एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए जानी जाती है. मतलब कि कैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दें, उसको हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर दें ताकि इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाए. तो ये केटो की विशेषता है और अमेजन ने इनके साथ एक पार्टनरशिप की है. आइए देखते हैं इसके बारे में. तो अमेजन इंडिया ज्वाइंट हैंड विथ मुंबई बेस्ड क्राउड फंडिंग कंपनी केटो टू हेल्प इट्स सेलर रेस फंडिंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन. ठीक है, तो अमेजन इंडिया और केटो, हमने दो कंपनी की बात की है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, तो एग्रीमेंट MOU का पार्ट है अमेजन इंडिया और केटो, आपको दो वर्ड याद रखने हैं. तो अगर हम आगे बढ़ें तो अगर अमेजन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो अमेजन की बात करें तो 1994 में फाउंड किया गया था, जेफ बेजोस ने फाउंड किया था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन US में है. जेफ बेजोस चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं, और वर्नर वोगेल्स जो हैं वो CTO हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं अमेजन के. अब जो बच्चे रेलवे के और SSC के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको चेयरमैन ऑफ और प्रेसिडेंट और CEO ऑफ अमेजन का नाम पता होना चाहिए, मतलब जेफ बेजोस का, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है. ठीक है, आगे बढ़े. केटो की बात करें तो केटो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी केटो में की पीपल कौन है? वरुण सेठ CEO हैं और जहीर अदिनवाला CTO हैं. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, बस इतना आपको याद करना है. ठीक है, चलिए समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं. तो बाई एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, बाई एनुअल कमांडर कॉन्फ्रेंस बिगिन इन न्यू दिल्ली. अब बाई एनुअल का मतलब क्या है? बाई एनुअल का मतलब हर दो साल में. तो हर दो साल में आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, जो इस बार भी हो रहा है, 8 अप्रैल को हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ. तो ये इन्फॉर्मेशन देखिए, फिर देख लीजिए. बाई एनुअल आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली में हुआ, जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने उद्घाटन भाषण भी दिया. और इसमें इंपॉर्टेंट इशूज जो डिस्कस किए गए, सच एज द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटेंड सिक्योरिटी डायनेमिक्स, mitigation of future security threats and enhancement of combat edge over potential adversaries. तो देखिए, अगर आप UPSC के एग्जाम दे रहे हैं तो UPSC के एग्जाम में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से किन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई. यानी आपको मुद्दे पढ़ने हैं, आपको तीनों मुद्दे पढ़ने. लेकिन अगर आप बैंक, SSC, रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इतने डीप में पूछा नहीं जाएगा. आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बाई एनुअल आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई. इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया, बस इतना. ठीक है, तो दो साल में होने वाला आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ. ये पॉइंट आपको लर्न करने थे. ठीक है, आइए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में रिसेंट मीटिंग कॉन्फ्रेंस हिल्ड इन मंथ ऑफ मार्च की बात करें तो फर्स्ट ब्रिक्स, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शेरपा मीटिंग हिल्ड इन कुरिटिबा, ब्राजील में यह हुआ. और इंडियन डेलीगेट को लीड कर रहे थे
सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टीएस त्रिमूर्ति कर रहे थे। तो पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल गई, ठीक है। आगे बढ़े, 34th मीटिंग ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रेट्स काउंसिल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन ताशगंद उज्बेकिस्तान। तो ये ताशगंद उज्बेकिस्तान में हुआ, तो ये भी पॉइंट आपके सामने है। और आगे बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया अटेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फॉरेन मिनिस्टर मीट हेल्ड इन अबू धाबी। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा, जब अभिनंदन की रिहाई की मांग चल रही थी तो पाकिस्तान बड़ा रोया था इस पर कि ये इंडिया को क्यों इसमें शामिल किया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, इंडोनेशिया होस्टेड द फर्स्ट एवर हाई डायलॉग ऑन इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन इन इट्स कैपिटल सिटी जकार्ता। आपके सामने ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, ठीक है। जी हाँ, ब्राज़ील की कैपिटल करेंसी, तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट कमेंट करना था, किसी ने कमेंट नहीं किया, एक दो बच्चों ने कमेंट किया है केवल। हाँ, ब्रिक्स ब्राज़ील, दिलीप कुमार बोल रहे हैं कि जो ब्रिक्स है वो ब्राज़ील में इस बार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मणिपुर की बात करें, मणिपुर में एक जगह है कांगला टोंगबी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक युद्ध इंडिया पे लड़ा गया मणिपुर में, और जगह थी कांगला टोंगबी। तो उसकी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट की जा रही है, आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखिए, द बैटल ऑफ कांगला टोंगबी कंसीडर्ड वन ऑफ द फायरकेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज फॉट बाय ऑर्डिनेंस पर्सनल ऑफ 221 एडवांस ऑर्डिनेंस डिपोट ऑन द नाइट ऑफ 6-7 अप्रैल 1944। तो 1944 में कांगला टोंगबी पर एक युद्ध हुआ जो कि 221 अग्रिम आयुध डिपो के लोग लड़ रहे थे। तो उसकी जुबली मनाई जा रही है यहाँ पर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। द प्लैटिनम जुबली ऑफ द बैटल ऑफ कांगला टोंगबी वॉर वॉज कमोरेटेड ऑन 7th अप्रैल बाई आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ऑफ कांगला टोंगबी वॉर मेमोरियल नियर इम्फाल, ठीक है। तो ये पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, आपको बस कांगला टोंगबी और 75 ईयर इतना याद रखना है, प्लैटिनम जुबली की बात हो रही है ना, बस इतना याद रखना है। तो उसी में आगे बढ़े, तो नेशनल वॉर मेमोरियल की बात कर ले, आपको आप शायद भूल गए होंगे। तो नेशनल वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में, मतलब कि वहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पर ये बना, 40 एकड़ में ये बना है। इसमें 4 सर्किल के हिसाब से बनाया गया है, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। टोटल 25,942 नेम्स इसमें हैं जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। 16 दीवालों पर इनके नाम लिखे गए हैं, ठीक है। प्लैटिनम का मतलब मैंग पूछ रहे हैं, तो देखिए 25 को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, 50 को हम बोलते हैं गोल्डन, 75 को हम क्या बोलते हैं, प्लैटिनम जुबली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं वर्ल्ड वॉर डेट्स की। तो वर्ल्ड वॉर वन जो था 1914 से 1918 तक हुआ, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपको ले चलते हैं आईपीएल पर, और आईपीएल में लीडिंग स्कोरर बन गए विराट कोहली, जिन्होंने सुरेश रैना को पीछे किया। तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा है, आइए इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए, विराट कोहली ओवरटुक सुरेश रैना टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन द इंडियन प्रीमियर लीग। टिल डेट विराट कोहली एंड सुरेश रैना आर ओनली 2 प्लेयर्स टू स्कोर 5,000 रन इन द आईपीएल, बोथ मैन गॉट टू द लैंडमार्क दिस ईयर। तो विराट कोहली ने सुरेश रैना को छोड़ दिया है पीछे, और विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, और अगर 5000 रन की बात करें तो सुरेश रैना, विराट कोहली दो ही पर्सन है जिन्होंने 5000 रन बनाए, वो भी इसी साल बनाए, ठीक। रोहित शर्मा जिन्होंने 4600 रन बनाए, ये थर्ड नंबर पे चल रहे हैं, और डेविड वार्नर फोर्थ नंबर पे हैं जिन्होंने 4278 रन बनाए, यानी पहला विराट कोहली, दूसरा सुरेश रैना, तीसरा रोहित शर्मा और चौथा डेविड वार्नर। आपके सामने लिस्ट है पूरी, ठीक है। एक्स्ट्रा हाईलाइट न्यूज नंबर वन, एक्स्ट्रा हाईलाइट न्यूज नंबर टू, गवर्नमेंट सेल्स रुपीज 1,150 करोड़ वर्थ एनिमी शेयर इन विप्रो, यानी विप्रो में कुछ एनिमी शेयर्स थे, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान चाइना चले गए उनके शेयर्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बेचा। किसने खरीदा, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। देखिए, द गवर्नमेंट हैज सोल्ड एनिमी शेयर्स वर्थ अराउंड रुपीज 1,150 करोड़ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म विप्रो लिमिटेड, अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैव बॉट द शेयर। यानी हमारे देश की जो सरकारी, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने परचेस किया ये शेयर सारे, ठीक है। विप्रो की हम बात कर रहे हैं, ठीक। आगे देखिए,
The custodian of enemy property for India is an entity, the central government which looks after enemy property and shares. Hota kya hai? By Wipro ke engineers honge, Wipro ke scientists honge, jinhe Pakistan ne, China ne hire kar liya hoga, wo chale gaye honge, unke share jo bhi the, wo government ne bech diye. ठीक, आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 3 की बात करते हैं। तो धनुष आर्टिलरी गन इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी, यानी धनुष गन को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो धनुष द फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। द 155 mm कैलिबर आर्टिलरी गन was manufactured by the Jabalpur based gun carriage factory. तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इस धनुष जो तोप है, जो धनुष गन है, इसे कहाँ बनाया गया? तो इसे जबलपुर में बनाया गया, जबलपुर बेस्ड गन कैरेज फैक्ट्री आपको जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो एक्स्ट्रा लाइट में दो तीन न्यूज़ की बात हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट न्यूज़ पर आपको लेके चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर आ रही है और ये रही लिस्ट हमारे सामने। देखिए, न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पे 100 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगा दी है। अवैध खनन ऑफ रेत, मतलब सैंड माइनिंग जो इलीगल तरीके से आंध्र प्रदेश में हो रही है, उसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है। तो इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगाई है 100 करोड़ रुपीस की आपके सामने। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल has slapped an interim penalty of rupees 100 crore on the Andhra Pradesh government for inaction to prevent illegal sand mining. अब क्या गवर्नमेंट करेगी, सब मिली भगत होती है आपस की। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ जितना मैंने देखा है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़े। अ बेंच हेडेड बाय एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, उन्होंने ये डायरेक्शन दिए हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, आपको ये भी पॉइंट यहाँ पे मालूम चल गया। आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 5 की बात करेंगे। न्यूज नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर देखिए, UAE announces long-term visa for best-handed Arab startup. तो UAE ने 100 जितने अरब कंट्रीज हैं उसके 100 बेहतरीन स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म वीज़ा देने की घोषणा की है कि आप हमारे देश में आकर काम कर सकते हैं। ये वही वाली बात है जो अमेरिका पहले करता था, H1 वीज़ा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप टैलेंटेड पर्सन को अपने देश में लाके काम कराना और उन्हीं से प्रॉफिट अर्न करना। सेम वही काम UAE यहाँ पर कर रहा है। देखिए, The UAE government has announced granting long-term visa for the top-handed startup shaping the fourth industrial revolution. चौथी औद्योगिक क्रांति आने वाली है इनके हिसाब से, यूके पूरे वर्ल्ड में। तो उसी लिए top-handed startup जो कि पूरे अरब कंट्रीज में है उनको long-term visa देगा UAE अपने देश में काम करने के लिए। ठीक, देखिए, द 100 अरब स्टार्टअप वॉज सेलेक्टेड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हेड इन जॉर्डन। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का जो ये इवेंट था, ये कहाँ पर हुआ? ये जॉर्डन में हुआ और वहाँ पर ही पूरे अरब कंट्रीज के बेस्ट 100 स्टार्टअप चूज किए गए। ठीक है, आगे देखिए, According to World Economic Forum latest report, 20% of the Arab world 100 most promising startup are based in the UAE. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? World Economic Forum की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अरब दुनिया के 100 सबसे आशावान स्टार्टअप में से 20% तो अकेले UAE में ही है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, इंडिया में भी हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट हमारा भावनाओं को समझने वाली बात है। न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। तो न्यूज नंबर 6, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 का अनाउंसमेंट हुआ, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखिए, तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु एंड स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा वे आर नेम्ड एज द फीमेल एंड मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो नीरज चोपड़ा की बात करें, पीवी सिंधु की बात करें, इन दोनों को मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। पहला पॉइंट जो आपको लर्न करना है। ठीक है, और देख लें, 2012 लंदन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शटलर साइना नेहवाल वॉन द अवार्ड फॉर द कमबैक ऑफ द ईयर। कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है साइना नेहवाल को आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा, इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर सौरभ चौधरी फॉर शूटिंग, टीम ऑफ द ईयर वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टीम। ठीक है, मैच ऑफ द ईयर तो अमित पंगल और हसन बॉय दुस्मतो, ये जो हसन बॉय दुस्मतो हैं ये रियो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे और अमित पंगल ने एशियन गेम्स में इनको हरा के गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए मैच ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया है। और डिफरेंटली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, तो इनका नाम है एकता भ्यान, ये पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। आगे बात करें तो मोमेंट ऑफ द ईयर वुमेन 4x400 मीटर रिले रेस,
और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल के लिए इनको मिला है। ये सारे अवार्ड ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, न्यूज़ नंबर 7 की बात करते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिड्यूस UPI ट्रांजेक्शन चार्ज अप टू ₹1,000 बाई 60%। तो अभी आपने देखा था कि कोटक महिंद्रा बैंक ने UPI पे चार्ज लगाने वाला पहला बैंक बन गया। तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब आप डिजिटल बैंकिंग पढ़ते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप रिटेल पेमेंट करते हैं उसके लिए NPCI ही रिस्पॉन्सिबल है। तो NPCI जो है उसने UPI को बनाया था। तो NPCI ने 1,000 जो हम करते हैं ट्रांजेक्शन उसके चार्जेस में कमी कर दिए 60% तक। मतलब देखिए, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच रन द UPI नेटवर्क हैज स्लैश यूजेस फ्री फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन टू इनकरेज बैंक एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू अडॉप्ट द सिस्टम। क्या किया है वो उसकी बात कर ले। तो चार्जेस ऑन ट्रांजेक्शन अप टू ₹1,000 हैव बीन कट टू 10 पैसे फ्रॉम 25 पैसे अर्लियर। तो 25 पैसे पहले चार्ज थे जो कि 10 पैसे कर दिए हैं NPCI ने। और देख लीजिए, वाइल कीपिंग द चार्ज फॉर ट्रांजेक्शन अबव 1,000 अनचेंज एट 50 पैसे, यानी ₹1,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे आपको 50 पैसे चार्ज कर देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, न्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, द 15th एडिशन ऑफ द मोरक्को US स्पॉन्सर्ड एक्सरसाइज अफ्रीकन लॉयन 19 टुक प्लेस इन मोरक्को, यानी मोरक्को US के बीच में अफ्रीकन लॉयन डिफेंस एक्सरसाइज 15वां एडिशन जो कि मोरक्को में हुआ उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्या हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ महर्षि बद्रेयान व्यास सम्मान 2019 विद द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh एंड अ सर्टिफिकेट। डॉक्टर ज्ञानदित्त शाक्य को महर्षि बद्रेयान व्यास सम्मान 2019 के राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, डॉक्टर ज्ञानदित्त की बात कर रहे हैं, ज्ञानदित्त शाक्य की बात कर रहे हैं, महर्षि बद्रेयान व्यास सम्मान इनको मिला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, और ये पुरस्कार इनको हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिए। तो करंट अफेयर्स में आज हमारे पास इतनी ही न्यूज़ है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट लगी, हमने आपको दी, ठीक है। हम कल फिर से मिलेंगे आपके लिए, और कल फिर से हम करंट अफेयर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। आई होप कि आप हमारे करंट अफेयर्स को अभी लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी लाइव चल रहे हैं करीब 850 बच्चे और लाइक हुआ है 217। तो प्लीज़ लाइक करें हमारे शो को, और ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और बेटर कंटेंट लेके आ पाएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से आपसे 7:30 पे, और कल QIDs मतलब MCQs भी होंगे, तो MCQ की बात भी हम करेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए सबको सबका धन्यवाद। सब लोग अपना बढ़िया से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरे दिन का प्लान बनाइए, कब स्पीड टेस्ट देना है, कितनी मैथ पढ़नी है, कितनी रीजनिंग पढ़नी है, कितना GS पढ़ना है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, पूरा एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास शाम तक। और हाँ, जब आप रात में सोएं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए कि जो भी हमने आज टारगेट सेट किए थे वो हमने अचीव किए। याद करना, जिद है तो जिद है, और कभी आपको गिव अप नहीं करना है, और हमेशा आपको मन में एक ही बात सोचनी है, I am what I am। मतलब मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मुझे उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, ये PDF रहा आपके सामने, PDF को आप डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल 7:30 पे फॉर करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच, सबका दिन मंगलमय हो।